हर हर शंकर, जय जय शंकर। वाराणसी के हर शिव मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। आज हम दर्शन करेंगे जागेश्वर महादेव के। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के साथ विराजते हैं। इस मंदिर में सभी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। जागेश्वर महादेव के दर्शन के लिए महाशिवरात्रि पर भक्तों का रेला उमड़ता है। इस अवसर पर बाबा के मंदिर की छटा देखते ही बनती है। ईश्वर गंगी मोहल्ले में स्थित श्री जागेश्वर महादेव मंदिर में हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग है, जिसकी लंबाई हर महाशिवरात्रि को जौ के बराबर अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ की मान्यता है कि इनके दर्शन, स्पर्श एवं पूजन से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर कोई इस शिवलिंग का 3 साल 3 महीने दर्शन कर ले या सिर्फ 3 महीने ही दर्शन कर ले तो उसके सारे कष्ट दूर होने के साथ हर मनोकामना भी पूरी हो जाती है। यह भव्य शिवलिंग जागेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। जागेश्वर महादेव की महिमा अपार है। स्कंद पुराण काशी खंड के अनुसार जिस समय भगवान शिव काशी को छोड़कर चले गए थे, उसी दिन जागीश्वर मुनि ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान शिव के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करेंगे। मुनि के कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और नंदी को लीला कमल के साथ भेजा। लीला कमल पुष्प के स्पर्श करते ही मुनि का क्षीण शरीर पूरी तरह ठीक हो गया। और बाद में मुनि ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि आप यहाँ के शिवलिंग में हमेशा उपस्थित रहें। इसके बाद भगवान शिव ने इन्हें यह वरदान दिया कि यह शिवलिंग दुर्लभ होगा, जिसके दर्शन से मनुष्य की हर कामना पूरी होगी, साथ ही तुम मेरे चरणों के समीप वास करोगे। यह मंदिर ईश्वर गंगी नहरपुरा वाराणसी में स्थित है। बाबा के अद्भुत मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।